नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 9 वर्सेस iQOO 9 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो OnePlus 9 में 6.3 इंच जबकि iQOO 9 Pro 5G में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो OnePlus 9 में 2.91 इंच जबकि iQOO 9 Pro 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो OnePlus 9 में 0.32 इंच जबकि iQOO 9 Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि OnePlus 9 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो OnePlus 9 में 183 ग्राम्स जबकि iQOO 9 Pro 5G में 204 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि OnePlus 9 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो OnePlus 9 में फ्लूइड AMOLED जबकि iQOO 9 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो OnePlus 9 में 6.55 इंचेस जबकि iQOO 9 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन OnePlus 9 में 1080x2400 और iQOO 9 Pro 5G में 1440x3200 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो OnePlus 9 में 87.6% जबकि iQOO 9 Pro 5G में 89.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो OnePlus 9 में 402 पिक्सल प्रति इंच जबकि iQOO 9 Pro 5G में 518 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो OnePlus 9 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और iQOO 9 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो OnePlus 9 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iQOO 9 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो OnePlus 9 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और iQOO 9 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो OnePlus 9 में Adreno 660 जबकि iQOO 9 Pro 5G में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो OnePlus 9 में Qualcomm Snapdragon 888 और iQOO 9 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो OnePlus 9 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि iQOO 9 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OnePlus 9 में Android V11 जबकि iQOO 9 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी OnePlus 9 में 4500 mAh जबकि iQOO 9 Pro 5G में 4700 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो OnePlus 9 में 3 कलर्स जबकि iQOO 9 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो OnePlus 9 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 49,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 54,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iQOO 9 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 58,990 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 69,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो OnePlus 9 में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें iQOO 9 Pro 5G की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में iQOO 9 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो रेनो 3 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी A72 है, तीसरा वीवो V20 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो रेनो 5 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।